हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किड जोन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम छोटे बच्चे को सही से पेंसिल पकड़ना कैसे सिखाएं, क्योंकि अगर जब तक बच्चा पेंसिल सही से नहीं पकड़ेगा तो उसका हैंडराइटिंग तो गंदा होगा ही होगा, एंड वो कुछ लिखेगा भी तो ना वो दिखेगा नहीं, मतलब डार्क नहीं लिख सकता, लाइट में लिखेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि वो कैसे पेंसिल पकड़ता है। इनिशियल स्टेज में अगर आप उसको ठीक कर दोगे, आगे जाकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहले देखिए, पेंसिल कोई कोई बच्चा रहता है ना, पेंसिल को मेरा बच्चा पहले पेंसिल ऐसा पकड़ता था, उसके बाद मेरे बच्चा पेंसिल ऐसा पकड़ा, मतलब उसको जैसा मर्जी है, मतलब उसको जैसा कंफर्टेबल लग रहा है पहले, क्योंकि उसको पता नहीं ना कैसे पकड़ना है। तो हमको सही करना है इनिशियली। अगर हम सही करना, अगर हम सोचेंगे नहीं चलो अभी जैसा पकड़ रहा है, आगे अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब लिखने लगेगा तब बताएंगे नहीं नहीं तब उसको ठीक कराना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जब वो पहले स्टार्टिंग से गलती कर रहा है, स्टार्टिंग से गलत पकड़ रहा है, आप उस टाइम उसको सही करिए। देखिए, बच्चों को आप बोलिए पेंसिल कभी भी ये टू फिंगर में पकड़े, ये जो टू फिंगर में अगर पेंसिल पकड़ना और नीचे ये जो थ्री नंबर फिंगर है वो नीचे रहेगा। तो ये हैबिट में मैं मेरी बच्चे को सिखाई कि आप बेटा ये दो फिंगर में पेंसिल पकड़ो एंड ये फिंगर ना आपको सपोर्ट करेगा, आप उसको नीचे रखो एंड पेंसिल को आप कभी भी मत बोलिए बहुत नीचे पकड़ना है, बहुत ऊपर पकड़ना है, नहीं, पेंसिल को यहीं से पकड़ने के लिए उसको सिखाइए टू फिंगर में पकड़ना एंड ये है सपोर्टिव फिंगर, तो बहुत अच्छे से वो पकड़ेगा। दूसरी बात, जब आप उसको लिखने बोल रहे हो कोई जगह के ऊपर में, आप उसको बोलिए, अगर स्टैंडिंग लाइन लिख रहा है, स्लिपिंग लाइन लिख रहा है, बोलिए उसको इसका सपोर्ट लेने के लिए। पहले मेरी बेटा क्या करता था, ऐसा ऊपर में ऐसा, मैं आपको एक बुक के ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ, ये एक बुक है, मेरी बेटा पहले ऐसा ऊपर से ऐसा लिखता था ऐसा, इसके थ्रू क्या होता था, अगर स्टैंडिंग लाइन लिख रहा है बिना वो चढ़ा हो जाता था, स्लिपिंग लाइन चढ़ा हो जाता था, कॉर्न सब इधर उधर, क्योंकि अगर ये आपको सपोर्टिंग में नहीं रहेगा आप कितना देर ऐसा इस तरह से लिखोगे, नहीं लिख सकते हो ना। तो आपको बच्चों को पहले ये सिखाना चाहिए कि ये फिंगर आप सपोर्टिंग के लिए यूज करो एंड इसको भी आप नीचे लगा के लिखो, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से लिखो एंड कहाँ से पकड़ना। फिर भी अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को सिखाने में, आजकल तो ऐसा ऑनलाइन में मिल जाती है ना फिंगर ग्रिप पकड़ने के लिए, आप उसको सिखा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप पहले उसको ऐसा प्रैक्टिस कराते हो, इनिशियली में आप उसको प्रैक्टिस करा दोगे ना, आगे जाकर वो बहुत अच्छे से पकड़ेगा। एंड इस वीडियो के साथ में मैंने अटैच कर दूंगी एक छोटा वाला वीडियो मेरी बेटे का, मैंने उसको कैसे सीखा एंड मेरी बेटा अभी 3 साल का है, जस्ट 3 साल का हुआ, वो कितना अच्छे से स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड कुछ अल्फाबेट वो लिख लेता है। एंड मैंने उसको पेंसिल नहीं सिखाया, पहले मैंने उसको मार्कर दिया, क्रायंस दिया, पहले उसको ऐसा स्क्रिबलिंग करने को बहुत सारे पेपर दिया, बहुत सारे पेपर में प्रिंट आउट निकाल ली हूँ, फिर उसको कलर करने को दिया, उसके बाद मैंने उसके हाथ में पेंसिल दिया कि लिखो, फिर मैंने दो दो डॉट कर लेती हूँ, दो दो डॉट स्टैंडिंग का, स्लिपिंग का सब कर लेती हूँ, मैं बोलती हूँ बेटा आपको बस ये दो डॉट को ज्वाइंट करना है, आप उसको स्टैंडिंग में करो, ये डॉट को स्लिपिंग में करो, तो बस आपको पेंसिल इस तरह से पकड़ना है। तो वो बहुत इजीली आजकल पेंसिल पकड़ के लिखता है। तो आपको ना ये सारी चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी है, आप और इस चीज को लाइट लोगे कि नहीं आगे जाके ठीक होगा, आगे जाके कुछ ठीक होने वाला नहीं है, बहुत गंदा हो जाएगा। स्टार्टिंग से आप उसको सही करिए, स्टार्टिंग से कैसे पकड़ना उसको सिखाइए, कहाँ पर होल्ड करना उसको सिखाइए, नहीं तो हो सकता है गंदा हैंडराइटिंग तो हो जाएगी, उसके बाद क्या होता है ना बहुत लाइट लिखेगा, कोई कोई बच्चा ऐसा लिखता है ना कुछ दिखता नहीं होगा, बहुत लाइट, कोई कोई बच्चा होता है ना बहुत ऐसा दबा के लिखता है ना, आप देखोगे अगर वो पेपर में लिख रहा है ना उस तरफ पेपर का जो अपोजिट साइड रहता है ना उधर पे पीछे आ गया होगा पूरा। तो इसलिए आपको वो सारी चीजें पहले बहुत ध्यान देना है कि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, ये था आज का इस वीडियो एंड और मेरी बेटा का जो छोटा वाला वीडियो मैं अटैच करूँ, इसको देखना मत भूलिए। अगर मेरी जो टिप्स है आपको यूजफुल हो रही तो आप मुझे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें एंड मेरी वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है। थैंक यू। आप पहले लिखो स्लिपिंग लाइन लिखो, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा आप, बहुत अच्छा लिखा, ब्लू कलर, हाँ आप फिर से लिखो लिखो, हाँ बहुत अच्छा लिखा आपने, गुड बाय, बहुत अच्छा है। लिखो, थोड़ा धीरे लिखो बाबू, थोड़ा धीरे लिखने से स्ट्रेट होगा, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखो, वेरी गुड,
वेरी गुड बाबू, हो गया। अभी आप थोड़ा स्टैंडिंग लाइन लिख के दिखाओ। ठीक है, आपको पहले स्टैंडिंग लाइन लिखो। नहीं, आपको इसको लिखो ना, ये पूरे लिखो धीरे से। हाँ, ओ वाह, सुपर बाबुल ने तो बहुत अच्छा स्टैंडिंग लाइन लिखा, बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा लिखा। हाँ बहुत अच्छा लिखा, लिखो। बहुत अच्छा है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाँ, देन स्लैंटिंग लाइन, थोड़ा तो और। बाबू बाबू क्लीन कर रहा है, देखो किस हो गया। बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू, वो चलता है। बाबू ने जब लिखता है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं ऐसा रख देता हूँ। वाह बाबलू, बहुत अच्छा लिखा है।